मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, आजकल अक्सर पुलिस वाले आप लोग देख रहे होंगे शहर में जो है पुलिस वाले किसी की गाड़ी रोक कर चेकिंग कर रहे थे, उसका वीडियो बना रहे। ये बहुत गलत बात है ये, क्योंकि आप दावत में से आ रही, आपके साथ फैमिली है, लेडीज है, आप चेकिंग करो, आप अपनी ड्यूटी करो। लेकिन ये जो वीडियो बना के जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं चेकिंग का, या कम से कम आप जो पुलिस वाले कवर कर रहे हैं वो ही बताओ। आप गाड़ी में लेडीज बैठे हुए उनकी वीडियो ले ले रहे हैं, पूरे औरतों को गाड़ी में से उतार रहे हैं, और खास तौर पर अगर कोई गाड़ी चलाने वाला दाढ़ी वाला है या कोई बुरखा पोश खवातीन है तो वो गाड़ी को चेक कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी को फुन्ना बना हुआ है तो उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। ये हो रहा, क्योंकि हम अक्सर फील करते हैं ऐसे। तो परसों क्या हुआ कि एक बहुत बड़े पैसे वालों की गाड़ी को रोक के चेक किए, तो वो 3 मिनट 4 मिनट तक बिचारे जो हैबत खा रही, मैं उनका वीडियो देखा। हालांकि दावत में से आ रही, शादीशुदा लोग हैं, उनकी बीवी बच्चों के साथ में आ रही, वो बिचारे उतर के आजीजी शुरू कर दिए सर्कल की, साहब साहब मेरा आईडी, उनके पास गाड़ी का लाइसेंस है, आरसी है, सो भाई आप रुआब से बात करना था। अब फर्ज करिए उसको कुछ कानून अगर मालूम होता तो पहले उन्हें गाड़ी में से उतरते वो ऑब्जेक्शन करता है कि आप मेरे घर के लेडीज का वीडियो कैसा ले रहे हैं। भाई मेरा वीडियो लेना जरूरी नहीं है पुलिस को, आप ड्यूटी करिए, आप गाड़ी को चेकिंग करिए। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल ऑफिस को जाते आप लोग, एक बर्थ सर्टिफिकेट के सिलसिले में जाते या डेथ सर्टिफिकेट के सिलसिले में जाते, या कोई स्कूल के एडमिशन के सिलसिले में, या कोई बल्दी बरखी आबरासानी मसाइल के सिलसिले में जाते। मैं आज से कुछ दिन पहले जब हमारी साबिका बीआरएस सरकार थी, जब शमशाबाद के अंदर एक गांव है, वहां पर उस गांव में जो है कि उमन अपने घने क्या होता गांव में कि जब भी इलेक्शन आता हम जो है बढ़ जाते, थोड़े लोग बीआरएस के हो जाते, थोड़े लोग कांग्रेस के हो जाते, पहले कभी टीडीपी के हो जाते थे हम। तो इनको बुलाते, बुला के अच्छा सम्मान करते मस्जिद में, इलेक्शन से पहले बुलाते, उनको खाना पिलाते, गुलकोशी करते, मेहनत भी करते, उनको वोट भी देते हम। अब क्या होता, अन्ना वोट लेने के बाद में भूल जाते अपने को। अब अपने कोई मसाइल रहा उनके पास गए तो लाइन में ठहरना, वो पीए से मिलो, उनके भांजे से मिलो, भतीजे से मिलो, इसमें हमारे 5 साल खराब हो जाते। अब कोई पढ़ा लिखा एक आध रहता उसमें उन्हें जाके बहस करता। तो हर एमएलए को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक एमएलए फंड बोल के रहता। आप लोगों को मालूम, कितने लोगों को मालूम कि हर एमएलए को एक साल को जो है 3 से 4 करोड़ रुपए एमएलए फंड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया डेवलपमेंट फंड बोल के रहता हो, और एमपी को 6 करोड़ रुपए रहते। अब आप जाके बोलते साहब हमारी मस्जिद के तहत जो कब्रस्तान है उसको आप बाउंड्री वाल उठाओ बोल के बोलते हो, उन्हें क्या करता है एक लेटर दे देता कलेक्टर के नाम पे। ये वो लेटर में उन्हें ये नहीं मेंशन करता कि फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, मेरे को जो ये जो एमएलए फंड रहता है वो कैसा रहता, अगर एमएलए चलते चलते बताया ये रोड डाल देना बोलते कल से काम चालू हो जाता। अब अपन गए तो अपने को क्या करते चॉकलेट दे देते अन्ना, अन्ना क्या करते नहीं, वो एक कलेक्टर को लेटर लिख देते, नहीं तो वर्क बोर्ड के सीओ को लेटर। वर्क बोर्ड क्या है, बेवा का दफ्तर है, वर्क बोर्ड खाली रहता वहां पर, कुछ भी पैसे नहीं रहते, गारंटी नेट आना साल में एक बार, उस साल में एक बार सैंक्शन होना, उस ग्राउंड हो जब तक 3 साल होते वर्क बोर्ड का काम कोई भी होना। तो मैं जहां पर भी मैं जब भी एड्रेस करता हूँ तो उनको ये बोलता हूँ कि भाई आप एमएलए को जीता है ना, अब जैसा हम हैं हमारे वाली साहब थे एमएलए जीते, तो हमारे पास जो गैर मुस्लिम आते थे काम लेने, बाद हफ्ता पहले टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके वो बस्ती के लोग आते, मसाइल के साथ आते, दीवानी गुफ्तगू नहीं करते, आके आपसी झगड़े लेके वो इनू फातिहा नहीं दे रहे, उनू फातिहा दिलाओ बोल रहे साहब बोल के, वो झगड़े लेके नहीं आते एमएलए करें, बस्ती के मसाइल लेके। साहब ये आप जो है लास्ट ईयर हमारे कने वाटर लाइन डाले थे, सीवर लाइन की जरूरत है साहब, उसका एस्टिमेट इतना है, कॉस्ट इतना है, ये बोलकर आते हमारे कने। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप जो है हर घर में, अब फर्ज करिए कई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते अपने कने गाँव में, रिटायर्ड टीचर है, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी से आप ला पढ़िए, देखते देखते 1 साल 2 साल में आप वकील बन जाते आप खुद। अब आप है अगर मस्जिद के सदर है, फर्ज करिए कोई मस्जिद की कमेटी के सदर है, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स रहते हैं, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर्स है, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट हमारे खाने बहुत लोग है गाँव में, तो वो वैसे लोगों को भी जो है अगर कुछ वाकया पेश आ गया गाँव में, पुलिस स्टेशन में हम जाके कंप्लेंट नहीं दे सकते हम,